तुम कहते हो कि अमेरिका की गुलामी करके तुम कामयाब हो जाओगे, तुम कहते हो कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत के साथ गद्दारी करके तुम कामयाब हो जाओगे, तुम औरतें मस्जिदों के मेहराब के अंदर नचाकर दुनिया के अंदर इज्जत पा जाओगे, और तुम कुरान और हदीस निसाब से निकाल कर दुनिया के अंदर फलाह पा जाओगे। सुनो रसूलुल्लाह के गुलाम ने शेर क्या पढ़े, और उस जुबान वो जुबान जिसको सब गुन की कुंजी कहें, उस जुबान पर भी ये शेर जारी हो गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवा फरमाते हैं, कद अफलाहा मन युआलिजुल मसाजिदा, फरमाया क्यामत तक वही मुसलमान कामयाब रहे जिन्होंने मस्जिदों को आबाद रखा। या मस्जिद में कुड़ियां नचाइया, अफलाह मन युआलिजुल मसाजिदा व यकराउल कुरान कायमन व कायदा, फरमाया क्यामत तक वो मुसलमान कामयाब हो गए जो खड़े खड़े भी कुरान पढ़ते रहे और बैठे हुए भी कुरान पढ़ते रहे। वला यबीतुल लैल इंद राकिदी, और जब दुनिया सो जाए तो फिर उठ के नमाज़ पढ़ते रहे, वो कामयाब हो।